नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। बंगाल के गवर्नर जनरलों का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का जो काल है ना, वो सुधारों के लिए जाना जाता है। तो इसके समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुए, वो सबको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक से ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके द्वारा जो भी सुधार वगैरह किए गए थे। तो आप लोग चीजों को ध्यान से देखिएगा। अगर इसके हम कार्यकाल की बात करें, तो इसका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 तक था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये ना बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल सिद्ध हुआ और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कैसे? तो देखिए क्या था कि जो 1833 में चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब चूंकि ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था, लेकिन इसके कार्यकाल के बीच में ही 1833 में चार्टर एक्ट आता है, और उस चार्टर एक्ट के तहत कहा जाता है कि अब जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया है, तो उस क्षेत्र को अब जो है ब्रिटिश अधिकृत भारत ये बोला जा सकता है। तो इसी कारण से 1833 में इस पद को, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको बोला जाता है भारत का गवर्नर जनरल, और भारत में जो भी क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में होती है उसको जो है ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा जाता है। अब इसके बाद 1833 से, तो ध्यान रखेंगे जैसा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था ना, आया तो था वो बंगाल का गवर्नर बन करके, लेकिन जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके तहत वो क्या बन गया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। तो सेम यही चीज लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भी हुआ। तो प्रश्न पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब आपको लगाना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। वहां पर बहुत सारे बच्चे जो है वॉरेन हेस्टिंग्स लगा के आ जाते हैं, वो गलत है, वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। वहीं अगर हम बंगाल का पहला गवर्नर देखें तो वो लॉर्ड क्लाइव था। तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझिएगा, मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग पीछे जो पुराने वीडियोस हैं उसको देखिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो आते हैं हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक पर। तो देखिए, इसके अगर हम लोग शुरुआती समय की बात करें तो ये सेना में था, और अपनी योग्यता के बल पर ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है, और 1796 में ब्रिटिश संसद का सदस्य बन जाता है। और उसके बाद जब पूरा यूरोप नेपोलियन के आतंक से भयभीत था, तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक उत्तरी इटली में नेपोलियन का मुकाबला भी करता है, ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद सन 1803 में, मैं लिखता जाता हूं कुछ चीजों को जो इंपॉर्टेंट है, सन 1803 में इसको मद्रास का गवर्नर बना दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये कब, सन 1803 में इसको मद्रास का गवर्नर बना दिया जाता है। और इसी के मद्रास के गवर्नर रहते हुए सन 1806 में मद्रास के वेल्लोर नामक स्थान पर जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे वो लोग विद्रोह कर देते हैं। मैंने वेल्लोर का सैनिक विद्रोह के विषय में पिछले वाले वीडियोज में डिस्कस किया था। ये जो है मद्रास में हुआ था, कहां पर, वेल्लोर में हुआ था, और वहां पर उस समय गवर्नर कौन था मद्रास का गवर्नर, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने भारतीय सैनिकों के जो माथे पे टीका लगाया जाता है, कानों में जो बाली वगैरह पहनते हैं, तो उसको धारण करने से इसने मना किया था। तो इससे जो भारतीय सैनिक थे वो थोड़े क्रोधित हो जाते हैं कि जो अंग्रेज हैं हमारे धार्मिक सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये लोग जो है विद्रोह कर देते हैं, बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों को मार दिया जाता है, और जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने मैसूर के शासक का झंडा फहरा दिया था। हालांकि इस विद्रोह को बड़ी ही निर्दयता पूर्वक कुचल दिया गया था। तो ये उसका गवर्नर जनरल बनने से पहले की चीजें हैं। इसके बाद सन 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो पूरा कार्यकाल था 1828 से 1835 तक लगभग पूरा सुधारों से भरा हुआ है। इसने अलग अलग क्षेत्रों में सुधार किया, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार, न्याय क्षेत्र में सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, सामाजिक सुधार, तो अलग अलग हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए ये ऐसा क्यों था, मतलब कि इसके दिमाग में इतना सारा सुधार करने का क्या तरीका था। तो देखो क्या था,
इससे पहले के जो गवर्नर जनरल थे जैसे कि लॉर्ड एमहर्स्ट हो गया या फिर आपका जो हेस्टिंग्स हो गया, उससे पहले के भी जो गवर्नर जनरल थे तो उनके टाइम पे काफी सारे युद्ध लड़े गए, जैसे कि आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, पिंडारियों के साथ लड़ाई लड़ा गया ऐसे, और कुछ कुछ दूसरे युद्ध लड़े गए। तो एक तरह से पूरा युद्ध वाला काल रहा। तो अब जो है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा शांति का समय चाहिए था और प्रशासन न्याय संबंधी क्षेत्र में कुछ सुधारों की आवश्यकता भी थी। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये इंग्लैंड में जो इस समय सुधारों का समय चल रहा था वहां के जो उदारवादी लोग से उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। इंग्लैंड में, यूरोप में बहुत सारे चीजों में जो है सुधार हो रहा था, सुधारवादी काल उधर भी चल रहा था, उधर के जो उदारवादी लोग थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। ये खुद उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और कुछ इतिहासकार ना ये भी लिखते हैं कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसका जन्म इंग्लैंड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत पैसे वाले घर में हुआ था। तो इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित था, बहुत पैसे वाले घर से पैदा हुआ था, तो इसके पास बहुत सारा पैसा था, तो ये यहां आकर के भ्रष्टाचार क्यों करेगा, मतलब कि पैसा कमाने का काम क्यों करेगा। तो यही कारण भी है कि ये यहां पर आकर के सुधार करने लगा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। खैर जो भी हो, इसने जो है कई सारे सुधार किए, कई सारे जो सुधार थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में थे, मतलब कि अंग्रेजों के हित में थे। हाँ, कुछ चीजें थी जो कि भारतीयों के हित में देखा जाए तो थोड़ा ठीक था, जैसे कि सती प्रथा का इसने अंत किया, इसके अलावा जो ठगी प्रथा प्रचलित थी उस टाइम पे उसका अंत किया। बाकी इसी के समय में अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों पर थोपा गया, वो आप लोग डिसाइड करिएगा कि वो सही था या गलत था। तो देखते हैं हम लोग इसके सुधारों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के आर्थिक सुधारों के विषय में। सबसे पहले हम इसमें चर्चा करते हैं कि आर्थिक सुधारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। वही अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसके जो पहले के जो गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई, बर्मा से लड़ रही हैं, नेपाल से लड़ रहे हैं, पिंडारी अलग परेशान कर रहे हैं, मराठों ने मोर्चा खोल दिया था, तो काफी जो पैसा है ना वो बर्बाद हो चुका था क्योंकि सैनिक खर्च में बहुत सारा पैसा लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तो ऐसे में इनको जो है कुछ आर्थिक सुधार करना आवश्यक भी था, अनिवार्य भी था। मतलब अगर विलियम बेंटिक के जगह कोई और भी आता तो शायद ये सब सुधार वो भी करता। तो देखते हैं इसने किस टाइप के क्या क्या सुधार किए थे। तो पहला चीज इसने जो किया था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला इसने किया था कि जो बंगाल प्रांत था वहां पर जो कलकत्ता है, मैं आपको नंबर वाइज बताता जाऊंगा आर्थिक सुधार, आप लोग 1 2 3 ऐसे करके अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखते जाइएगा। तो जो पहला आर्थिक सुधार था वो ये था कि सैनिक अधिकारियों के भत्तों में कटौती, पहला पॉइंट। तो इसके अंतर्गत उसने क्या किया कि जो बंगाल में कलकत्ता के आसपास जो 400 किलोमीटर के एरिया में, सॉरी 400 मील के एरिया में जो भी सैनिक अधिकारी पदस्थ थे उनके भत्तों में कटौती किया। वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल जो उनको भत्ता दिया जाता था ना, युद्ध के टाइम पर कहीं लड़ाई पे गए हैं तो वैसे टाइम पे जो भत्ता दिया जाता था उस पर उसने कटौती कर दिया, उसको जो है आधा कर दिया, बाकी वेतन जो है बराबर था। कलकत्ता के आसपास, कलकत्ता से मतलब 400 मील के दायरे में जो भी पोस्टेड है, सैनिक हो अधिकारी हो, उसके भत्तों में कटौती किया गया। दूसरा जो आर्थिक सुधार था वो ये था कि अनावश्यक पदों की समाप्ति। तो देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस उसके समय में कुछ प्रशासनिक सुधार हुए थे बहुत सारे, तो कई सारी नई नई चीजें आई थी, लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, नए नए पद सृजित किए गए थे, उनमें से कई सारी जो चीजें थी ना इसके समय तक आते आते, क्योंकि अभी भी आप लोग देखिएगा जो आज चल रहा है, आज के 20 साल 30 साल बाद वही चलेगा, जरूरी नहीं है, परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। तो विलियम बेंटिक के टाइम पर उन पदों की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसने क्या किया, दो समितियां गठित की, एक सैनिक समिति एक असैनिक समिति। तो इन दोनों से सुझाव मांगे गए कि आप लोग देखो कि सेना में ऐसे कौन कौन से पद हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है, और दूसरी समिति से बोला जो असैनिक समिति थी कि बाकी जो राजस्व विभाग है, न्याय विभाग है, उसमें देखो कि कौन कौन से पद ऐसे हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है। तो उनको पता लगाया गया और उनको बंद कर दिया गया। तो ये था दूसरा आर्थिक सुधार, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा आर्थिक सुधार था
असैनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती। देखिए सबसे पहले तो उसने क्या किया, सैनिक और सैनिक अधिकारियों के भत्तों में कटौती किया, उसके बाद उसने असैनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती किया, जो भी राजस्व विभाग से संबंधित थे, न्याय विभाग से संबंधित थे, दूसरे विभागों से संबंधित थे, उनके भी वेतन में थोड़ी थोड़ी उसने कटौती की। हाँ ये जरूर हुआ होगा कि उस समय के जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उनमें थोड़ा सा रोष व्याप्त हुआ होगा। अगर आज के समय में भी अगर आपके जो पालक हैं, जो भी नौकरी वगैरह कर रहे हैं, उनके वेतन में अगर थोड़ा भी कटौती हो जाता है तो पूरा जो है हड़ताल वगैरह शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा इस टाइप का हुआ होगा। खैर वो चीज आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि उस बारे में उतना लिखा नहीं गया है। इसके बाद चौथा है अनावश्यक न्यायालयों की समाप्ति। चौथा पॉइंट अनावश्यक न्यायालयों की समाप्ति। तो देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने कुछ न्यायालयों को भी समाप्त किया, लॉर्ड कार्नवालिस। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कार्नवालिस दोनों ने बहुत सारे सुधार किए थे। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा जो भी सुधार किया गया था, जो नए नए पद सृजित किए गए थे, नए नए विभाग बनाए गए थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के आते आते तक बेकार हो गए थे, किसी काम के नहीं थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उनको बंद करना या फिर उनमें सुधार करना शुरू किया। तो ऐसा ही न्याय विभाग, मतलब कि कुछ ऐसे न्यायालय थे जो अनावश्यक थे, जिनमें से एक था आपका लॉर्ड कार्नवालिस ने जो फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए बंगाल क्षेत्र के लिए चार भ्रमण करने वाली अदालतों की स्थापना की थी, तो वो उतने आवश्यक नहीं थे, मतलब कि उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो अपीलीय न्यायालय थे वो भी उतने काम के नहीं थे, तो इन दोनों को बंद कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है पांचवा, भारतीयों के नियुक्ति से बचत। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि जो सरकारी पद थे, यहाँ जो छोटे थे, जो थोड़े से बड़े थे, उनमें भारतीयों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। जबकि हम लोगों ने लॉर्ड कार्नवालिस के समय देखा था कि जो लॉर्ड कार्नवालिस था उसने भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्ति से रोके रखा था। हाँ छोटे छोटे जो पद थे वहां पर भारतीय नियुक्त हो सकते थे, लेकिन थोड़े बड़े पोस्ट उनको नहीं दिए जाते थे। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो थोड़े बड़े पोस्ट थे उनमें भी भारतीयों को नियुक्त करना शुरू किया, ताकि थोड़ा सा जो है पैसा बचाया जा सके। कैसे, क्योंकि जो अंग्रेज आते थे ना इंग्लैंड से, वो लोग ज्यादा पैसा लेते थे, ज्यादा सैलरी मांगते थे, जबकि उसी पद पर कार्य करने के लिए भारतीय कम सैलरी में तैयार हो जाते थे। तो इसने सरकारी नौकरियों में भारतीयों को नियुक्त करके भी थोड़े पैसे बचाए। अगला पॉइंट है छठवां पॉइंट, अफीम के व्यापार की उत्तम व्यवस्था। अफीम गांजा, तो इसने जो है अफीम के व्यापार की उत्तम व्यवस्था की। देखिए इसमें क्या था कि जो पुर्तगाली थे और जो दूसरे यूरोपीय थे, तो वो लोग जो है अफीम के व्यापार पर अच्छा खासा पकड़ बनाए हुए थे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्षेत्र है वहां से वो लोग माल परचेस कर माल खरीद के दूसरे देशों में, विशेष करके चीन वगैरह में बेचा करते थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि इसके व्यापार में इनको भी अच्छा खासा मुनाफा हो, इसके लिए क्या किया, ये नियम बना दिया कि जो अफीम है वो केवल और केवल बंबई बंदरगाह से बाहर जाएगा। अब बंबई बंदरगाह किनका है, अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वहां से बाहर जाएगा तो इनको जो है टैक्स मिलेगा। तो ऐसे करके इसने जो है पैसा बनाया, मतलब कि अपना जो थोड़ा सा पैसा बढ़ाया। इसके बाद सातवां पॉइंट है जागीर तथा रियासतों का अपहरण। जागीर तथा रियासतों का अपहरण, तो देखिए जो उस समय जागीर थे या छोटे छोटे रियासत थे, तो उनके जो मालिक या फिर कहें राजा, अगर उनकी डेथ हो जाती थी और उनका कोई वैलिड उत्तराधिकारी नहीं होता था, वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उनके राज्य को, उनके जागीर को हड़प लिया जाता था, अपना ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ऐसे में भी इनको जो है क्षेत्र मिल जाता था और वहां से होने वाली आमदनी भी। इसके बाद आठवां पॉइंट है कर मुक्त भूमि पर कर। कर मुक्त भूमि पर कर, देखिए कर, मैं ध्यान से सुनिएगा, कर मुक्त भूमि पर कर। देखिए पहले क्या होता था, चाहे भारत में मुसलमानों का शासन हो या फिर हिंदू शासकों का शासन हो, यहाँ तक कि मराठों के समय में भी जो ब्राह्मण होते थे या फिर जो मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, उनको जो है राज्य की तरफ से कर मुक्त भूमि दी जाती थी, उसमें जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। तो अंग्रेज जब भारत आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा प्रसार कर लिया, तो उस समय भी ऐसे कई सारे दान में दिए गए भूमियां थी जिनमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई कर वो लोग नहीं देते थे। तो विलियम बेंटिक ने क्या किया, इस टाइप की जितनी भी जमीनें हैं उनका मतलब जांच पड़ताल करवाया कि भाई कौन कौन टैक्स नहीं दे रहा है, सबसे टैक्स कलेक्ट करना इसने शुरू किया। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है
नौवा पॉइंट उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की लगान व्यवस्था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की लगान व्यवस्था। अब यहां पर आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, मैंने क्या बोला, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। देखिए ये जो प्रांत है, अगर आज के समय में आप इसको खोजने जाओगे तो आपको कहां मिलेगा, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। लेकिन इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में ये जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर प्रदेश को बोला जाता था। ध्यान रखेंगे ये किसको बोला जाता था, उत्तर प्रदेश को बोला जाता था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, अच्छा ये जो क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ये जो सहायक संधि हुआ था हेस्टिंग्स के टाइम पे, तो ये जो क्षेत्र है जहां पर अवध का बहुत बड़ा एरिया आता था, अवध का यहां पर अधिकार हुआ करता था, लेकिन अवध के साथ जो सहायक संधि हुई थी उसके तहत अवध ने अपने यहां पर सेना रखना स्वीकार किया और बदले में अपने राज्य का कुछ क्षेत्र दिया, जैसे कि उसने गंगा यमुना का दक्षिण पश्चिम वाला भाग दिया, इसके अलावा जो रुहेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो भी अंग्रेजों को दे दिया, इसके अलावा दिल्ली 1803 में अंग्रेजों के प्रभाव में आ जाता है, और भी कई सारे जो छोटे छोटे है जो आज के उत्तर प्रदेश के, वो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलते गए। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक बहुत बड़े एरिया पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जिसमें इलाहाबाद भी था। तो क्या हो रहा था कि यहां पर उचित लगान व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में क्या किया, टोडरमल व्यवस्था। देखो टोडरमल कौन थे, राजा टोडरमल, नाम याद होगा आप लोगों को, अकबर के यहां पर ये थे, अकबर के यहां पर थे, और अकबर के भू राजस्व व्यवस्था को इन्होंने ही संभाला हुआ था, और इन्होंने जो दहशाला पद्धति शुरू किया था ना, दहशाला पद्धति जिसको टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, तो इसी टोडरमल बंदोबस्त या फिर दहशाला पद्धति को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र में लागू किया, और इसी टोडरमल बंदोबस्त के आधार पर 30 वर्ष के लिए लगान निश्चित किया। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने टोडरमल के दहशाला पद्धति या फिर टोडरमल बंदोबस्त को लागू किया था। तो ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। तो ये थे आर्थिक सुधार। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्थिक सुधारों के बाद प्रशासनिक तथा न्यायिक सुधार। तो ये आर्थिक सुधार था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 9 पॉइंट देखा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक और न्यायिक सुधार, दोनों को एक ही में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है उस पर आते हैं हम लोग। तो प्रांतीय न्यायालयों का अंत, वही जो मैंने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भी बताया कि इसने कुछ न्यायालयों का अंत किया। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस के टाइम पर फौजदारी न्याय के लिए 4 भ्रमण करने वाली अदालतें स्थापित की गई थी। इसके अलावा जो सिविल मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ना यहां उतना ज्यादा काम नहीं होता था, जो एकदम भ्रष्ट टाइप के अधिकारी होते थे ना वो यहां पर बिल्कुल आराम से अपना रहते थे, मतलब उतना इनको काम नहीं करना पड़ता था, सैलरी मोटी लेते थे, पूरी सैलरी लेते थे। तो ऐसे में जो है यहां पर पूरा काम चौपट हो रहा था, लोग जो है सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर रहे थे। तो ऐसे में इन दोनों न्यायालयों को, जो फौजदारी भ्रमण करने वाली जो न्यायालय थी, जो 4 स्थानों पर खोले गए थे ना, एक बिहार के लिए एक था पटना में, और बंगाल के लिए 3 था, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, मैंने बताया था। देखिए आप लोग ना ये जो गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे तो आपको एक मतलब क्रम से पढ़ना होगा, शुरू में जो गवर्नर जनरल आया उसके बाद कौन आया, क्योंकि एक के बाद एक ये लोग आते जाएंगे और पहले जो काम हुआ था उसमें सुधार करते जाएंगे। जैसे कि लॉर्ड कार्नवालिस, उसने ना वॉरेन हेस्टिंग्स, जो लॉर्ड कार्नवालिस था, उसने जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसके समय में जो सुधार हुए थे उसमें उसने परिवर्तन किया था। ठीक वैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने से पहले के गवर्नर जनरलों के समय जो भी काम हुआ था, जो सुधार हुए थे, उसमें यह बदलाव करता जाएगा। तो इसने जो है प्रांतीय अपीलीय न्यायालय और जो फौजदारी दौरा करने वाली न्यायालय थी, इन दोनों को बंद कर दिया। अब न्याय का काम कैसे हो, तो इसके लिए क्या किया गया, पूरे बंगाल क्षेत्र को 20 डिवीजनों में बांटा गया। ध्यान रखेंगे 20 डिवीजनों में बांटा गया पूरे बंगाल क्षेत्र को, और प्रत्येक डिवीजन में एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ये जो कमिश्नर है ना, इसके पास न्याय संबंधी अधिकार होता था, प्लस पुलिस वाला अधिकार होता था इसके पास, इसके अलावा
पुलिस के अलावा इसके पास जो है माल विभाग का भी अधिकार होता था। तो तीन विभाग इसको दिए गए कमिश्नर को, एक तो न्याय, जो भी न्याय संबंधी मामले जो न्यायालय बंद किए गए तो वो मामला ये देखेगा, न्याय संबंधी मामला प्लस पुलिस वाला काम ये देखेगा प्लस माल विभाग इसके अंडर में किया गया। तो बंगाल को 20 डिवीजनों में बांटा गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के अंतर्गत न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि। तो देखिए न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि किया गया। तो जो लॉर्ड कार्नवालिस था उसके समय में पृथक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, नहीं तो पहले क्या हो रहा था, जो कलेक्टर था भू राजस्व व्यवस्था भी वो देखता था प्लस वो न्याय भी करता था। तो लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया था, राजस्व विभाग और न्याय विभाग दोनों को जो है पृथक पृथक कर दिया था, जिसको हम लोगों ने पृथकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत जाना था। तो अब क्या किया गया इसके समय में, वो वाली चीज बनी रहने दी गई लेकिन लॉर्ड जैसा था वैसे ही रहने दिया गया। लेकिन जो लॉर्ड कार्नवालिस है उसके समय जो न्यायाधीश का पद सृजित किया गया था जिला न्यायाधीश, उसको ना फौजदारी मामलों में उतने अधिकार नहीं दिए गए थे। वो दीवानी मामलों के संबंध में उसको संपूर्ण अधिकार दिए गए थे लेकिन फौजदारी मामलों के संबंध में उसको उतना अधिकार नहीं दिया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, जो जिला न्यायाधीश थे उनको फौजदारी मामलों में अधिक अधिकार सौंप दिया। पहले केवल वो लोग दीवानी मामलों में संपूर्ण अधिकार रखते थे, फौजदारी कुछ मामले सुन सकते थे, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फौजदारी संबंधी पहले से अधिक अधिकार जिला न्यायाधीशों को सौंप दिया। तो ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जिला न्यायाधीश थे अब वो लोग जो है फौजदारी मामलों में 2 वर्ष तक का कठोर सश्रम कारावास की सजा सुना सकते थे। तो ये था न्यायाधीशों के अधिकारों में वृद्धि। देखो जितने भी पॉइंट है ना सब पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगला जो सुधार प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के अंतर्गत, देशी भाषाओं को न्यायालय की भाषा का दर्जा दिया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है, जो देशी भाषा थे मतलब कि जो भारतीय भाषा थे या इसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते हैं, इनको न्यायालय की भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। पहले क्या होता था कि जो मुगलों के समय की जो राजकीय भाषा थी फारसी, मुगलों की राजकीय भाषा थी ना फारसी, तो अंग्रेज ना लंबे समय तक इसी फारसी भाषा को लेकर के चल रहे थे। उनकी राजकाज की भाषा प्लस न्यायालय की भाषा भी यही फारसी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ लोग जो है अब फारसी भाषा को भूलने लगे थे। इस समय जो है दूसरे जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, जैसे कि बंगाल क्षेत्र है तो बंगला, आपका उड़ीसा है तो उड़िया, तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका भी विकास हो रहा था प्लस जो हिंदी है उर्दू है इनका भी डेवलप हो रहा था। तो अब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बोला कि अब फारसी के स्थान पर जो भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, बांग्ला भाषी क्षेत्रों में बांग्ला, तो वो भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं अब न्यायालय में प्रयोग की जा सकती है। इसके अलावा जो ऊंचे स्तर के न्यायालय थे मतलब जो हाईकोर्ट वगैरह होते थे वहां पर अंग्रेजी न्यायालय की भाषा हुआ करती थी, बाकी जो निचले स्तर की जो अदालतें होती थी वहां पर उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय संबंधी कार्य होता था। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक सुधार था और ये पूछा भी जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहले इनकी राजकाज भाषा जो है राजकीय भाषा क्या थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कामकाज की जो भाषा थी फारसी थी, न्यायालय की भाषा भी फारसी और ये मुगलों की राजकीय भाषा थी। तो अब जो है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग शुरू हो गया। इसके बाद अगला है चौथा पॉइंट है कानूनों का नियमबद्ध किया जाना। तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ना पहली बार कानूनों को नियमबद्ध किए जाने की ओर कार्य किया गया। इसके समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी ना उसमें पहली बार एक विधि सदस्य की के पद को सृजित किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना मैंने बताया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर वो सृजित किया गया था कि गवर्नर जनरल के परिषद में 4 सदस्य होंगे, बाद में उसकी सदस्य संख्या घटा करके 3 की गई। तो उसी गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य के पद को सृजित किया गया। विधि सदस्य से क्या तात्पर्य है, विधि सदस्य मतलब एक ऐसे व्यक्ति के पद को सृजित किया गया जो कानून का ज्ञाता हो। विधि मतलब क्या होता है, कानून। तो ये विधि सदस्य के रूप में एक कानून के ज्ञाता जानकार व्यक्ति को गवर्नर जनरल के परिषद में स्थान दिया जाएगा। तो जो पहला विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल के परिषद में शामिल होने वाला व्यक्ति था उसका नाम याद रखेंगे लॉर्ड मैकाले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम,
कई बार पूछा गया है, लॉर्ड मैकाले। अब ये जो लॉर्ड मैकाले है, इसने जो दंड संहिता उसको बनाने की ओर इसने जो है कदम उठाया, मतलब कि जो दंड संहिता है उसको संकलित करने का इसने काम किया, मतलब उस तरफ इसने काम करना शुरू किया। जबकि हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो तो बहुत आगे जाकर के बनेगा, लेकिन उस काम की इसने शुरुआत कर दी थी। तो इससे जो है न्याय करने वाले जो न्यायाधीश थे उनको काफी सहूलियत होता था, क्योंकि एक ही स्थान पर जो भी कानून संबंधी जो भी बातें हैं, जो भी धाराएं हैं, एक ही स्थान पर संग्रहित होती थी, तो उससे जो न्यायाधीश होते थे उनको काफी सरलता होती थी। तो लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल के परिषद में पहला विधि सदस्य था, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, जो पांचवा पॉइंट, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, हम लोगों ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भी देखा था, क्योंकि उसको पैसा बचाना था, तो ये प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भी आएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सरकारी सेवाओं में भेदभाव की नीति को समाप्त किया। भेदभाव की नीति क्या थी? वही लॉर्ड कार्नवालिस के समय उसने जो भारतीय थे उनको बड़े बड़े पद तक पहुंचने नहीं देता था, छोटे छोटे पद भारतीयों को दिया जाता था। लेकिन अब लॉर्ड विलियम बेंटिक इसने जो है उस नीति को बदलना शुरू किया, और जो सरकारी सेवाएं थी, सरकारी नौकरियां थी, उनमें भारतीयों को भी स्थान देने की बात इसने करना शुरू किया। तो देखिए जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था ना, 1833 में चार्टर एक्ट आया था, तो इस चार्टर एक्ट में एक धारा थी, याद रखेंगे इस धारा को, धारा 87। इस धारा 87 में यह बोला गया था कि किसी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को किसी भी नौकरी को पाने से नहीं रोका जा सकता, मतलब कि उसको उसके रंग के हिसाब से या उसके जन्म स्थान के हिसाब से या उसके धर्म जाति के हिसाब से उस व्यक्ति को किसी भी नौकरी को पाने से नहीं रोका जा सकता, जैसे कि हमारे संविधान में भी है ना ये चीज। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 में ये बात बोली गई थी कि ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो जो है अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी नौकरी पा सकता है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि ये जो व्यवस्था थी ना तत्कालीन समय में उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसी के चलते आगे जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पदों पर भारतीयों के नियुक्ति का मार्ग खुल गया। हालांकि जो बड़े बड़े पद होते थे, जैसे कि कलेक्टर जैसे जो पद होते थे ना, उसमें आगे भी भारतीयों को पहुंचने से रोका जाता था। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से वो जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती थी ना ICS, तो उसमें भारतीय शामिल न हो सके, मतलब उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सके, इसके लिए दुनिया भर के प्रपंच किए गए थे। कभी उम्र बढ़ा दी जाती थी, कभी जो है पेपर जो है इंग्लैंड में किया जाता था, बहुत सारी समस्याएं खड़ी की जाती थी ताकि भारतीय जो है उस परीक्षा में न बैठ सके या बैठ जाए तो उसमें पास न हो सके। लेकिन फिर भी ना कई सारे लोग ऐसे थे भारतीय जिन्होंने उस परीक्षा को पास करके दिखाया, तो आगे देखेंगे हम लोग। तो 1833 का चार्टर एक्ट धारा 87, जिससे भारतीयों को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में प्रवेश का एक मार्ग खुल गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो धारा 87 है ना, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें इस धारा 87 को जुड़वाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आग्रह किया था, इसी के कहने पर ये वाला पॉइंट जोड़ा गया था। मतलब ये स्पेशल चाहता था कि भारतीयों को अपना जो नौकरी है वो दिया जाए, ये इसका मानना था, इसीलिए इसको यहां जोड़ा गया, ऐसा बोला जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट है, इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना। तो देखिए इलाहाबाद, मैंने पीछे बताया कि जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, जहां पर अपना क्या कहते हैं टोडरमल व्यवस्था को इन्होंने लागू किया, तो अब जो है उत्तर प्रदेश वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था बहुत सारा क्षेत्र। तो वहां के लोगों को ना न्याय संबंधी किसी भी कार्य के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था, जो कि काफी दूर होता था, और उस समय ट्रेवल का ऐसा कोई साधन भी नहीं था, तो इनको काफी समस्याएं होती थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया, इलाहाबाद में एक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, सदर दीवानी और सदर निजामत कहां पर स्थापित किया गया, इलाहाबाद में।
ताकि वहां के जो लोग हैं वो लोग न्याय के लिए भटकना न पड़े और अपने ही क्षेत्र में उनको जो है न्याय मिल सके। और इस न्यायालय ने ना 1833 में कार्य करना शुरू कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। इस टाइप का जो अदालत है वो कलकत्ता में हुआ करता था केवल, तो बाकी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनका अपने ही क्षेत्र में काम हो जाए इस हिसाब से। तो 1833 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद अगला जो है सुधार प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में, ये था जूरी प्रथा को प्रचलित करना। न्याय क्षेत्र में जूरी प्रथा, देखिए जूरी प्रथा क्या होता है, तो आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, फिल्म वगैरह में देखा होगा, जो कोर्ट वाला जो सीन होता है ना, कई सारे जो कोर्ट होते हैं उसमें एक ही जज बैठा हुआ होता है, एक ही न्यायाधीश, लेकिन कई सारे अदालतों में एक साथ जो है 3 या 4 या 5 या उससे भी ज्यादा बैठे रहते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं जूरी, वही क्या कहलाते हैं जूरी। आज के समय में भी कई सारे जो मामले हैं उसमें जो है आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि 5 जजों में से 3 ने ये फैसला दिया, 2 ने ये फैसला किया, तो वही क्या होता है जूरी। तो इस प्रथा को शुरू करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसने क्या किया कि जो भारतीय कानून के जानकार थे उनको न्यायाधीशों के साथ न्यायालय में बैठने का अधिकार दिया, ताकि वो जो है न्यायाधीशों को न्याय करने में सहायता कर सकें। तो ये जूरी प्रथा को प्रचलित करने का श्रेय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, तो ये इसका काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा संबंधी सुधार। तो देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, इसके समय में जो अंग्रेजी भाषा है उसको भारतीय शिक्षा का आधार बनाया गया, साथ ही साथ जो राजकाज की भाषा है वो भी अंग्रेजी की गई। तो देखते हैं इसको, देखिए 1813 में चार्टर एक्ट आया था और पहली बार इसी 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। किस समय? सन 1813 में। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स शायद गवर्नर जनरल रहे होंगे। तो 1813 में 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च करने की व्यवस्था की गई। लेकिन ये जो पैसा है, ये जो 1,00,000 रुपए है, खर्च कहाँ किया जाए? मतलब कि भारतीयों को शिक्षित करना है, भारतीयों को पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है? मतलब कि उनको अंग्रेजी में पढ़ाना है, मतलब कि यूरोप में जिस टाइप से बच्चे पढ़ते हैं वैसे पढ़ाना है, कि भारत में जैसे पढ़ाई होती है वैसे पढ़ाना है? तो इसमें जो है ना दो गुटों में बट गए थे जो अंग्रेज थे। तो इसमें पहला गुट था प्राच्य, प्राच्य प्राच्य विद्या बोलेंगे इसको, प्राच्य विद्या। तो प्राच्य विद्या के जो समर्थक थे उनका कहना था कि ये जो 1,00,000 रुपए है इसको हमको भारतीय शिक्षा और जो साहित्य है उसके विकास में खर्च करना चाहिए। भारत का जो प्राचीन साहित्य है, संस्कृत है, उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में खर्च करना चाहिए। और इसके समर्थक जो हेड थे उनका नाम याद रखेंगे, एच एच विल्सन, दो लोग थे, दूसरा नाम है प्रिंसेप। तो ये दोनों जो है इस प्राच्य विचारधारा के समर्थक थे। अब दूसरी विचारधारा, पाश्चात्य विचारधारा, मतलब कि इस विचारधारा को मानने वाले लोग पाश्चात्य विद्या के समर्थक थे। मतलब कि यूरोप में जिस प्रकार की विद्या एजुकेशन सिस्टम प्रचलित है उसी को भारत में लागू किया जाए, इसको मानते थे। और इसके समर्थक कौन थे? तो उनका नाम था चार्ल्स ट्रेवेलियन, नाम थोड़ा सा अजीब सा है, माफी चाहूंगा, चार्ल्स ट्रेवेलियन, जो कि पाश्चात्य विद्या के समर्थक थे। मतलब कि यूरोपीय साहित्य, यूरोपीय शिक्षा जिस ढंग से दी जाती है उसी को भारत में हमको प्रचलित करना है, और ये जो 1,00,000 रुपए है उसको हमें वहां खर्च करना है। तो इन दोनों गुटों के बीच, प्राच्य विद्या के समर्थक और पाश्चात्य विद्या के समर्थक, दोनों के बीच लगभग 20 वर्ष तक विवाद चलता रहा। और ये जो चार्ल्स ट्रेवेलियन है, मतलब पाश्चात्य विद्या के जो समर्थक हैं, इनका समर्थन भारत के राजा राम मोहन रॉय ने भी किया था। ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय जो कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय ये जो है पाश्चात्य विद्या के समर्थक थे। मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। तो अब देखिए,
क्या होता है, विवाद चल रहा है। अब इसी समय जो है विलियम बेंटिक्स 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है। तो ये जो है इस विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन करता है, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इस समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं लॉर्ड मैकाले। वही लॉर्ड मैकाले जो कि प्रथम विधि सदस्य थे, कहां पर, गवर्नर जनरल के परिषद में। तो लॉर्ड मैकाले को बनाया जाता है समिति का अध्यक्ष, और ये जो समिति है इन दोनों जो गुट है ना उनके बीच, मतलब उनके मतों को सुनती होगी और अंत में अपना फैसला सुनाते हैं। जो लॉर्ड मैकाले हैं ये जो है पाश्चात्य विद्या इसके प्रबल समर्थक थे, और बाकी जो लोग हैं वो लोग भी पाश्चात्य विद्या की तरफ ही आ जाते हैं। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो भी लॉर्ड मैकाले अर्थात पाश्चात्य विद्या का ही समर्थक था। तो तय हो जाता है कि भाई भारत में जो 1,00,000 रुपए खर्च करने को बोला जा रहा है उसको हम लोग भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में खर्च करेंगे, मतलब कि भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाएगा, जो भी यूरोप की शिक्षा पद्धति है उसी को हम लोग यहां पर लागू करेंगे। तो यह तय होता है और 7 मार्च 1835 को इसको अनुमोदित कर दिया गया। अच्छा, ये जो लॉर्ड मैकाले थे ना इसने भारतीय शिक्षा, भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति इस पर ना मतलब इसकी बहुत एकदम धज्जी उड़ा के रख दिया था। तो ये जो हम लोग लॉर्ड मैकाले के बारे में अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, जो ये जो प्राच्य विद्या और पाश्चात्य विद्या का जो विवाद था, मतलब कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेजी शिक्षा को थोपा गया, या फिर मतलब ये अच्छा था या बुरा था ये आप लोग फैसला करिएगा। तो ये अपने आप में अलग टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं वहां आप लोगों को बताऊंगा कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा साहित्य के विषय में क्या कहा था, मतलब एकदम बेकार बोल दिया था, एकदम धर्म से जुड़ा हुआ चीज है, एकदम मतलब आडंबर या फिर क्या कहेंगे बिल्कुल ढोंग टाइप का चीज है, ऐसा बहुत सारी चीजें इसने बोला था। तो 7 मार्च 1835 को तय हो जाता है कि अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होगी। हालांकि इसमें यह भी बोला जाता है कि जो प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी उसमें क्षेत्रीय जो उसकी जो मातृभाषा होगी विद्यार्थी की तो उसको प्रयोग में लाया जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो 7 मार्च 1835 को इसका जो लॉर्ड मैकाले की जो घोषणा है वो अनुमोदित हो जाती है और तय हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी। तो ये था पहला सुधार। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं इसी के अंतर्गत कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बहुत बहुत बार पूछा गया है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। अब हम लोग देखते हैं सामाजिक सुधार, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा क्या क्या सामाजिक सुधार किए गए थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो सामाजिक सुधार है ना जिसमें सती प्रथा, ठगी प्रथा ये सब आता है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं हम लोग अब सती प्रथा के विषय में। अगर सती प्रथा की बात करें तो ये क्या होता है, तो क्या होता था कि पहले अगर किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जलना होता था। मतलब कि कोई पति मर गया और उसकी पत्नी जीवित है तो वो जो है पत्नी अपने पति के चिता के साथ जल जाएगी, उसी को क्या बोला जाता था, सती। तो ये जो सती प्रथा है हमारे भारत में प्राचीन समय से ही प्रचलित थी, प्राचीन समय भी से प्रचलित थी, और इसका जो प्रथम साक्ष्य जो मिलता है लिखित साक्ष्य वो मिलता है 510 एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से ये जो है गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त का अभिलेख था एरण अभिलेख, तो इसी में पहली बार जानकारी मिलता है 510 ईस्वी में कि कोई स्त्री सती हुई थी। हालांकि इससे पहले भी प्रचलन में रहा होगा लेकिन उस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो 510 ईस्वी में पहली बार जानकारी मिलती है सती होने के विषय में। इसके बाद आगे जो है ना बहुत सारे शासकों ने इस प्रथा को बंद करने का भी प्रयास किया था, जिसमें अकबर का भी नाम आता है, पेशवा उन्होंने भी कोशिश की थी। इसके अलावा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क उसने भी अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था, हालांकि उसका उद्देश्य कुछ और था, मैंने बताया हुआ है। उसके बाद जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसने इस पर पहली बार कानून बनाया, इससे पहले जो भी मतलब बंद करवा रहे थे वो बस आज्ञा दिए टाइप का था, लेकिन जो विलियम बेंटिक था उसने इसमें बकायदा कानून बना करके इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, और जो भी व्यक्ति किसी स्त्री को सती होने के लिए
प्रेरित करेगा उसको मानव वध का दोषी माना जाएगा। मान लो कि कहीं पर किसी व्यक्ति की चिता जल रही है और उसकी पत्नी को ले जाया गया और वहां जो चारों तरफ जो लोग होते हैं ना, चिता जब जलाया जाता है डेड बॉडी को, तो लोग होते हैं, अगर सब वहां बोल रहे हैं कि तुमको भी सती होना है, ये होना है, वैसे है, तो अगर बहुत सारे लोग भी वहां प्रेरित कर रहे हैं तो उन सब के ऊपर मानव वध का केस चलाया जाएगा, ये इसने बोला। तो सती प्रथा आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो सती प्रथा है ना, इसको नियम 17 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है, नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा को प्रतिबंधित करने की प्रेरणा कहां से मिली, ये पूछा जाता है। तो राजा राममोहन राय, जो कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं, तो उनकी भाभी को भी जो है सती होना पड़ा था, क्योंकि जो राजा राममोहन राय के बड़े भाई थे उनकी डेथ हो जाती है और उन्हीं के साथ उनकी जो भाभी है वो भी सती हो जाती है। तो इससे जो राजा राममोहन राय हैं बहुत ज़्यादा मतलब एक दुखी हो जाते हैं और फिर अपने समाचार पत्रों में इस बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो विलियम बेंटिक है इससे काफ़ी मतलब प्रभावित हुए और इस प्रथा को बंद करने के लिए प्रेरणा उनको मिली, ऐसा कहा जाता है। तो राजा राममोहन राय का नाम याद रखेंगे सती प्रथा को बंद करने में, प्लस एक और नाम याद रखेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर। इन दोनों ने, राजा राममोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को स्पेशल थैंक यू बोलने गए कि आपने जो है ये अच्छा काम किया। अच्छा, सती प्रथा को कब बंद किया गया था, तो 1829 में, ध्यान रखेंगे 1829 में। एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, राधाकांत देव, ये जो है ना बड़ा ही रूढ़िवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किए जाने का विरोध किया। देखिए, एक तरफ राजा राममोहन राय हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने जो है इस प्रथा को बंद किया। वहीं जो है राधाकांत देव टाइप के कुछ लोग भी थे जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के इस कार्य का ही विरोध किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो, हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हो। हालांकि जो 1857 की क्रांति हुई ना, उसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। हालांकि ये जो चीज है, ये जो काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अच्छा चीज था, लेकिन उस समय के अधिकतर लोगों की सोच ना राधाकांत देव के समान ही थी। तो ये था सती प्रथा को प्रतिबंधित किया जाना। इसके बाद अगला है ठगी प्रथा का अंत किया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देखिए, ठगी प्रथा क्या था, तो उस समय ना ये स्पेशल जो मध्य भारत है वहां अधिकतर प्रचलित था। तो जो ठगी प्रथा, इसके तहत क्या होता था, जो लोग हैं ना वो बिल्कुल उनका जो कैरेक्टर मतलब वो बिल्कुल डाकू टाइप का काम करते थे, लेकिन डाकू जैसे होते हैं उस टाइप के नहीं होते थे, इनके पास कोई हथियार नहीं होता था, ये एक रुमाल और एक सिक्के की मदद से लोगों की हत्या करते थे और उनके पास जो भी सामान होता था उसको लूट लेते थे। ये पूरा ग्रुप बना के चलते थे, एक ग्रुप में ना काफी सारे लोग होते थे, बहुत सारे लोग होते थे इनके ग्रुप में, और उनका अलग अलग काम होता था। मतलब कि एक जो व्यक्ति होगा वो लोगों को फंसाने का काम करेगा। मतलब ये लोग क्या करते थे, रास्ते में चलते रहते थे, जो भी राहगीर होते थे उनको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते थे कि भाई कहां जा रहे हो, अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलिए साथ में चलते हैं, साथ हो जाएगा, इस टाइप से। जैसे आज के समय में भी ट्रेन वगैरह में बहुत होता है ना, जैसे आप जाओगे तो आपके सामने वाला सीट आपसे सामने बैठा व्यक्ति आपसे बात करेगा कि आप कहां जा रहे हो, इस टाइप से, और आपको जो है अपनी बातों में फंसा लेगा और आपसे एकदम ऐसी बातें करने लगेगा जैसे कि आप उसको बहुत समय से जान रहे हो, और बाद में वो आपको कुछ खाने पीने को देगा जिसमें कुछ मिला हुआ रहेगा, आप बेहोश हो जाओगे, आपके सामान को लेकर के वो फरार हो जाएगा। तो बिल्कुल यही चीज जो है ये ठग किया करते थे। तो जो व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति का काम होता था, एक व्यक्ति नहीं उनका भी ग्रुप होता था, 2-4-5-10 लोग, वो लोग जो है राहगीरों को फंसाने का काम करते थे, अपनी बातों में उलझा लेते थे, मीठी मीठी बातों में फंसा लेते थे और फिर उनके साथ ही वो चलते थे और उचित स्थान देख करके उनका काम तमाम करके उनका सामान लेके निकल लेते थे। अब
कुछ लोग होते थे जो रुमाल से गला घोटने में एक्सपर्ट होते थे और कुछ लोग जो है गड्ढा खोदने का काम करते थे। ये लोग ना लोगों को मार करके उनके लाशों को यहां वहां नहीं फेंकते थे, पूरा सबूत ये लोग मिटा देते थे, तुरंत गड्ढा खोद के उनकी लाशों को दफना दिया जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो जनसंख्या उतनी थी नहीं, जंगली रास्ता होता था, जंगल के बीच में कहीं इनको मार दिया गया, वहीं गड्ढा खोद के दफना दिया गया, उनका पूरा सामान लेकर के ये लोग रफू चक्कर। अब उनके परिवार वाले भी खोजेंगे कि भाई कहाँ गया, क्या हुआ, मतलब वो लोग तो यही सोचेंगे ना कहीं जंगल में भटक वटक गया, कोई जंगली जानवर निकल लिया या कुछ भी हुआ। उस टाइम पे कोई आदमी गुम हो जाता था ना, उसका मिल पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो ठगी प्रथा का इसने अंत किया। अच्छा, एक ब्रिटिश अधिकारी का नाम याद रखेंगे, कर्नल स्लीमन। कर्नल स्लीमन तो इसकी नियुक्ति की गई थी स्पेशल ठगों के दमन के लिए, कर्नल स्लीमन की। कई बार पूछा गया है कर्नल स्लीमन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला जो सामाजिक सुधार था वो था कन्या वध पर प्रतिबंध। कन्या वध पर प्रतिबंध, देखो उस समय ना, ये आज भी ना कई सारे स्थानों में कन्या के जन्म को सही नहीं माना जाता है, और प्राचीन समय में या फिर पहले ये बहुत ज्यादा चलता था। मतलब कन्या वध क्या होता था, आज भी कई सारे जो परिवारों में, कई सारे समाजों में लड़की के जन्म को बुरा माना जाता है कि भाई इसको पालना पोषना कर पड़ेगा और फिर बड़ी हो जाएगी तो इसका शादी वगैरह करके इसके दहेज में पैसा खर्च करना पड़ेगा, बेकार। तो इस टाइप से लोग जो है आज भी सोच रखते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रचलित थी, और बड़ी बड़ी जातियों में जैसे कि राजपूतों में भी ये प्रचलन में था कि अगर घर में कन्या का जन्म होगा तो उसके विवाह के समय हमको झुकना पड़ेगा। तो ये सोच करके ना कन्या जैसे जन्म लेती थी उसको मार दिया जाता था। तो ये बड़ा उस समय प्रचलन में था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस चीज को बंद करने का प्रयास किया, प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, और कन्या वध को मानव वध के समान माना गया। और एक जो हट्टा खट्टा मानव, उसकी हत्या के लिए जैसे सजा दी जाती है, वैसे ही एक नवजात शिशु के हत्या को भी उसी तरह से देखा जाने लगा। तो ये कन्या वध को प्रतिबंधित किया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके बाद अगला है नर बलि का विरोध। देखिए नर बलि का विरोध, नर बलि प्रथा को बंद करने का अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें आपको जो एलन बरो है उसने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उससे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ना, जो उड़ीसा है वहां के कुछ जनजातीय लोगों द्वारा अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए मानव की बलि दी जाती थी। तो इससे मतलब उस क्षेत्र में लोग गायब वगैरह हो रहे थे होंगे और इसकी शिकायत पहुंची होगी, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को बंद करने की ओर ध्यान दिया। तो नर बलि प्रथा को भी इसने प्रतिबंधित किया था। अगले सुधार की बात करें तो दास प्रथा को इसने प्रतिबंधित किया। देखिए हमारे भारत में ना दास प्रथा का प्रचलन प्राचीन समय से ही था, बहुत तो मतलब हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रचलित था, लेकिन जो दूसरे देश है ना उसके जैसा दास नहीं था। जैसे कि हम लोग अमेरिका वगैरह के पढ़ते हैं दास प्रथा, तो वहाँ जैसे दासों का शोषण होता था उस टाइप से हमारे भारत में नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये जो प्रथा है प्राचीन समय से थी और धीरे धीरे ये एकदम बिल्कुल खराब होते जा रही थी। तो इस समय क्या होता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर चूंकि अंग्रेज ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट ये लोग शोषण भी कर रहे थे। जैसे कि इनकी जो स्थायी बंदोबस्त की नीति थी जिसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया और जो किसान है वो लोग अपने खेतों से अलग कर दिए गए, हालांकि वो खेतों में काम करते थे लेकिन केवल किराएदारों की हैसियत से। तो कहीं ना कहीं शोषण इनका चल रहा था। तो उससे क्या होता था, कई सारे जो गरीब लोग थे ना वो अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने बच्चों को बेच दिया करते थे। किनको बेचते थे, मतलब किसी को भी बेच देते थे, कोई रईस आदमी खरीद लेता था अपने घर में, उससे गुलामी करवाता था, फ्री में काम करवाता था। और कई सारे लोग ना ऐसा भी करते थे कि अगर उसने किसी से कर्ज ले रखा है और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है तो वो जो है खुद को उस आदमी के सुपुर्द कर देगा, या फिर कई सारे लोग अपने आप को ही बेच देते थे। मतलब सामने वाले को बोलते थे कि मेरे परिवार को पैसा दे दो और मैं जो है तुम्हारा हो गया, तुम्हारा गुलाम हो गया। आप लोगों ने फिल्म में एक डायलॉग सुना होगा कि अपने आप को बेच दूंगा लेकिन तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, बिल्कुल उसी टाइप से। तो इस टाइप की जो प्रथा है उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित थी, स्पेशली ना छोटे छोटे बच्चों को बेचा जाता था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो ये 1832 में ये सब काम हुए थे, ध्यान रखिएगा, जो कन्या वध पर प्रतिबंध, नर बलि पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध 1832 में। इसके बाद अगला है हिंदू उत्तराधिकार कानून में सुधार।
हिंदू उत्तराधिकार कानून में सुधार। देखिए इस समय क्या हो रहा था, जब ब्रिटिश भारत में आए हुए थे तो ये लोग साथ में अपना धर्म प्रचार भी कर रहे थे, ईसाई धर्म को फैलाने का काम कर रहे थे, तो और बहुत बड़ी संख्या में भारतीय ईसाई धर्म की ओर आकर्षित भी हो रहे थे। तो क्या हो रहा था कि हिंदू परिवार का कोई व्यक्ति अगर क्रिश्चियन बन जा रहा है तो उसको उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था, मतलब कि उसको जो है क्या कहेंगे, मान लीजिए कि किसी के दो बेटे हैं, उनमें से एक बेटे ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया तो उसको अपने पिता से जो भी अधिकार मिलने थे संपत्ति में वो उसको नहीं दिया जाता था। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस चीज को रोकने का प्रयास किया और ये कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को अपनाता है तब भी उसको उसका जो भी उत्तराधिकार बनता है, जो भी हिस्सा बनता है अपने पिता की संपत्ति में या किसी भी संपत्ति में जहां भी उसका हिस्सा बनता है वो उसको दिया जाना होगा, ये बोला इसने। तो हिंदू उत्तराधिकार कानून में इसने सुधार किया। तो ये सब जो है इसके सामाजिक सुधारों के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग अगला चीज देखते हैं, सार्वजनिक निर्माण कार्य। तो जो अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इन्होंने कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी करवाए थे, जिसमें आप पहला याद रखेंगे यातायात संबंधी कार्य, मतलब इसने जो है ना यातायात के साधनों में सुधार किया था। तो पहला इसने किया था सड़क बनवाया था दिल्ली से कलकत्ता के लिए, मतलब कलकत्ता टू दिल्ली, जो वैसे सड़क ना पहले से था, सड़क पहले से था और आगे चल करके इसी सड़क को ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में विकसित किया गया, लेकिन इसने जो है एक प्रकार से सड़क को सुधारा। इससे पहले किसी भी गवर्नर जनरल ने सड़क वगैरह को उतना सुधारने मरम्मत करने की ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसने जो है पहली बार यातायात के साधनों की ओर ध्यान दिया कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो दिल्ली से कलकत्ता के लिए इसने जो है सड़क का निर्माण का कार्य किया, मतलब पहले से जो सड़क था उसको जो है सुधार उधार किया होगा। इसके अलावा दूसरा इसने सड़क बनवाया था आगरा, तो ये भी सड़क पहले से रहा होगा, बस इसने उसमें मरम्मत वगैरह करवाई होगी। आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा कि बंबई से आगरा के बीच आज जो सड़क है ना वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वैसे ही दिल्ली कलकत्ता ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद यातायात के साधनों में सुधार के अंतर्गत इसने अगला चीज किया, जो गंगा नदी है वहां पर इसने भाप से चलने वाली नाव चलाना शुरू किया। भाप से चलने वाली नाव, देखिए ये हमारे भारत में पहली बार था कि भाप से चलने वाली नाव चली। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही पहली बार गंगा नदी में भाप से चलने वाली नाव को प्रचलित किया और इससे सोचिए उस समय जो भी मतलब व्यापार होता था, जो भी आवागमन है वो कितना सुगम हो गया होगा। एक तो दिल्ली कलकत्ता के बीच का जो सड़क था उसको ठीक किया गया, बंबई आगरा वाला सड़क वो बनाया गया, प्लस गंगा नदी में भाप से चलने वाली नाव चलाई गई, तो इससे काफी जो है सहूलियत हुई। इसके अलावा इसने एक और काम किया, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, मतलब उत्तर प्रदेश जिसको इसके समय में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बोला जाता था, वहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नहरों का निर्माण करवाया गया, किसके टाइम पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। तो ये थे इसके सार्वजनिक निर्माण कार्य और लगभग इसके द्वारा इतना ही सुधार किया गया था। अगर कोई चीज छूट गया होगा तो मैं आपको जो है आने वाले वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा। और इसी के समय में जो 1833 में चार्टर एक्ट आया था जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। मैं पूरी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।